पावरफुल प्रोसेसर अंडर 15,000। तो भाई अगर आपका बजट 15,000 है, 15,000 के बजट रेंज में अगर आप एक पावरफुल स्मार्टफोन लेना चाहते हो जिस पर अगर आपने गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, कैमरा भी अच्छा चाहिए, डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छा चाहिए एंड स्लिम एंड स्टाइलिश स्मार्टफोन चाहिए, ये वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए कर रहा हूं। तो बात करते हैं भाई सीधा नंबर फोर की बात करूँ। नंबर फोर पर यार मैंने रखा है सैमसंग गैलेक्सी M21 को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सैमसंग की ओर से आता है, ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आता है, प्राइवेसी सिस्टम इनका तगड़ा होता है, प्लस इस स्मार्टफोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो भाई अगर आप नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो, यूट्यूब वीडियो देखने के ज़्यादा शौकीन हो, आपका एक्सपीरियंस तगड़ा होने वाला है। इंडोर में अगर आप यूज़ करते हो या आउटडोर में यूज़ करते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं आने वाली। प्लस भी आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 6000 mAh की बैटरी तो मतलब आपका एक दिन तो नॉर्मली निकाल देगी। अगर आपने गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, अगर आप कोई भी हैवी वर्क करना चाहते हो, आप नॉर्मली इजिली कर सकते हो। प्लस आपको 15W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। आपको एक्सनॉक्स 911 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एवरेज प्रोसेसर है, इतना तगड़ा नहीं होता। दैट्स वाई मैंने इसको नंबर फोर पर रखा। और कोई भी इस स्मार्टफोन में कमी नहीं देखने को मिलती। बैक कैमरे की क्वालिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी मिल जाती है। माइनस पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। माइनस पॉइंट सिर्फ इसका ये देखने को मिलता है कि आपको प्लास्टिक बॉडी में देखने को मिलता, और कोई भी इसका माइनस पॉइंट नहीं देखने को मिलता। अगर आपने यूज़ करना है तो भाई आपको केस डालकर ही इसको यूज़ करना पड़ेगा, अगर आपने लॉन्ग टाइम पीरियड स्मार्टफोन को रखना है। प्लस मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अगर आपको ये फोन अच्छा नहीं लगता भाई, जो मैं आगे फोन बताऊँगा आप उसके और जा सकते हो। अगर आपने चेकआउट करना है, लिंक मैंने प्रोवाइड किया, आप चेकआउट भी कर सकते हो। अभी बात करते हैं इनके मेन स्पेसिफिकेशन की, थोड़ा सा डीपली मैं आपको बता देता हूँ। तो यार डिस्प्ले की बात हो, आपको 6.4 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात हो, आपको एक्सनॉक्स 9611 देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 4GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 64GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है, प्लस आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो। बैटरी की बात करूँ, आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है। कैमरे की बात करूँ, आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, 48MP प्लस 8MP प्लस 5MP। सेल्फी की बातों को, 20MP सेल्फी देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात करूं, आपको 15,000 के बजट रेंज में सैमसंग गैलेक्सी M21 देखने को मिल जाता है। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया सैमसंग गैलेक्सी M21 के भी। तो भाई अगर आप इस स्मार्टफोन की ओर जाना चाहते हो, आप जा सकते हो। अगर आपने सिर्फ चेकआउट करना है, मैं आपको रिपीट कर देना चाहता हूं कि पॉइंट लिंक मैंने दिया हुआ है, आप चेकआउट भी कर सकते हो। अभी आगे बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूं। नंबर थ्री पर यार मैंने रखा है रेडमी नोट 10 को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नया फोन जो है वो लॉन्च हुआ है, 3 कलर्स में देखने को मिलता है, लेकिन जो ग्रे कलर इसका आता है वो उसको बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। एंड आपको डिज़ाइन लुक तो पसंद आने वाली है, प्लस उसके साथ साथ जिस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी आपको पूरा लोडेड देखने को मिल जाता है। आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन के साथ देखने को मिलती है। फोन जो है वो 3 वेंट में देखने को मिलता है, जो भी आपके प्राइस रेंज में सेट बैठता है उसके और आप जा सकते हो। प्लस आपको माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। अगर आपने स्टोरेज को एक्सपेंडेबल करना है, अपग्रेड करना है, तो भाई आप उसको भी कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर इसमें इतना तगड़ा नहीं देखने को मिल जाता, जो कि 11nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने इसको जो नंबर थ्री पर रखा, और कोई भी रीज़न नहीं देखने को मिलता। इसका जो प्रोसेसर है इतना आपको तगड़ा नहीं मिलता, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिस पर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। मैं डीपली थोड़ी सी बात कर ही लेता हूँ, मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 6.4 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन के साथ देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको स्नैपड्रैगन 678 देखने को मिल जाता है, जो कि 11nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। बैटरी की बात करूँ, आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस आपको 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करूँ, आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। सेल्फी की बात करूँ, आपको 30MP सेल्फी मिल जाती है। स्टोरेज की बात करूँ, 3 वेंट में देखने को मिलता है, जो भी आप जिसके और भी आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो। प्राइस रेंज की बात करूँ, मैं आपको कह देना चाहता हूँ, आप 4GB वेंट की ओर चल जाना, जो 12,000 के बजट रेंज में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको 14,000 के बजट रेंज में 6GB मिलेगा, लेकिन उसके और आप मत जाना, बिकॉज इतने प्राइस रेंज में आपको बहुत ही तगड़े प्रोसेसर मिल जाते हैं। मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, फिर से आपको मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपका बजट 12,000 है आप जा सकते हो रेडमी नोट 10 की ओर। लेकिन अगर आपका बजट यार 14,000 है, 15,000 है, तब मैं आपको ये स्मार्टफोन इतना रिकमेंड नहीं करता। जो मैं आगे फ़ोन बताऊंगा वो इससे भी बहुत ही ज़्यादा अपर होने वाले हैं, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी एंड डिज़ाइन या लुक वाइज भी, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करूँ। नंबर टू पर यार मैंने रखा है Poco X2 को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, फ़ोन थोड़ा सा पुराना हो गया, लेकिन इतना भी पुराना नहीं हुआ कि मैं इस बजट रेंज में इसको ना रखूँ, ठीक है। फ़ोन के स्पेसिफिकेशन है जो आपको बहुत ही ज़्यादा तगड़े देखने को मिल जाते हैं, आपको बहुत पसंद आने वाला है, वो तो मुझे पता ही, ठीक है। जो फ़ोन है आपको 6GB विंड के साथ देखने को मिलेगा, जो कि 15,000 के बजट रेंज में आपको नॉर्मली ईजिली मिल जाएगा। आपको IPS LCD देखने को मिल जाती है, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। प्लस आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी साथ में देखने को मिल जाती है।
स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिल जाता है, जो कि 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। अगर आप हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो, आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं आने वाला। कोर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिस पर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। प्लस आपको डुअल सेल्फी देखने को मिल जाता है, 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। कलर जो है वो 3 कलर्स में देखने को मिलता है, जो भी कलर आपको सूट करता है, जो भी कलर आपको सही लगता है आप उसके और जा सकते हो। तो पोको X2 भी आपके लिए परफेक्ट डील हो सकते हैं, अगर आपका बजट 15,000 है भाई। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया पोको X2 के भी, अगर आप इस स्मार्टफोन की ओर जाना चाहते हो आप जा सकते हो। अगर आपने सिर्फ चेकआउट करना है, बाइंग लिंक दिया हुआ है, आप चेकआउट भी कर सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ नंबर वन पे यार मैंने रखा है Redmi Note 9 Pro Max को। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पहले इसका प्राइस रेंज देखने को मिलता था 17,000 से 18,000 के बजट में, लेकिन अभी इसका प्राइस ड्रॉप हो गया, आपको 15,000 के बजट रेंज में Redmi Note 9 Pro Max देखने को मिल जाता है, जो कि आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है। फुल लोडेड स्मार्टफोन है भाई, मैं आपको दिल से रिकमेंड करना चाहता हूँ। अगर आपका बजट 15,000 है, किसी और स्मार्टफोन की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर डिज़ाइन लुक वाइज के अकॉर्डिंग देखा जाए, कैमरे के अकॉर्डिंग देखा जाए, बैटरी के अकॉर्डिंग देखा जाए, मतलब आपको फुल लोडेड स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। आपको पैसे खर्चने, मतलब अगर आप पैसे पे कर देते हो आपको पैसे खराब नहीं जाने वाले, आप लॉन्ग टाइम पीरियड इसको यूज़ कर सकते हो। फोन जो है बहुत बिका है, बहुत लोगों ने पसंद किया है, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, ठीक है। आपको 16 रिफ्रेश रेट के साथ इसकी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन के साथ देखने को मिलती है। 3 विंडो में फोन देखने को मिलता है, जो भी लेना चाहते हो अभी आप ले सकते हो। आपको प्रोसेसर की बातों को स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिल जाता है, जो कि 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है, ठीक है। फोन मतलब पूरा लोडेड देखने को मिल जाता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आपको गेमिंग करनी है, कैमरे के अकॉर्डिंग फोन चाहिए, या अगर आपको एक स्लिम एंड स्टाइलिश डिज़ाइन चाहिए, आप सभी के लिए परफेक्ट डील हो सकता है Redmi Note 9 Pro Max। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Redmi Note 9 Pro Max के भी, अगर मेरा बजट 15,000 होता तो भाई मैं इसी स्मार्टफोन की ओर जाता, बिकॉज मुझे स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, कलर, कैमरा क्वालिटी एंड जो बैटरी है वो सब कुछ मतलब फुल लोडेड मिल जाता है, जो कि 15,000 के रेंज में आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप देख लेना, अगर आपको सही लगता है, अगर आपको ये फ़ोन मतलब पसंद आता है, तो आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। तो यार अभी मैं आपको डीपली और भी बता सकता हूँ, सेंसर वगैरह के बारे में बता सकता हूँ, प्रोसेसर के बारे में ज़्यादा डीपली बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बता रहा, बिकॉज वीडियो की लेंथ ज़्यादा जाती है, उसका कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। तो दैट्स वाई, तो अगर कोई एक दो चीज मेरी रह गई तो उसको, उसके लिए मैं आपको सॉरी कह देता हूं। तो हो जाता है यार कभी कभी वीडियो बनाते बनाते, तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भी देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भी देना, उनको भी कह देना कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे कल फॉलो, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चालू करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो मेरे वीडियो के साथ, थैंक यू।